वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर मां श्रृंगार गौरी की पूजा की याचिका की सुनवाई को मंजूरी दे दी गई है। कोर्ट ने इस याचिका को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की चुनौती को खारिज कर दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का ये विवाद सदियों पुराना है। 213 साल पहले इस विवाद को लेकर पहली बार दंगे हुए थे। काशी विश्वनाथ मंदिर को पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में ध्वस्त किया। वो मोहम्मद गोरी का कमांडर था। करीब 100 साल बाद एक गुजराती व्यापारी ने इस मंदिर का दोबारा निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ मंदिर पर दूसरा हमला जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने 1447 ईस्वी में करवाया था। मंदिर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। 1585 ईस्वी में अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 1642 ईस्वी में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया। हिंदुओं के भारी विरोध के बाद प्रमुख मंदिर को तो तोड़ा नहीं जा सका, लेकिन काशी के 63 छोटे बड़े मंदिरों को तोड़ दिया गया। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश जारी किया। यह आदेश कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी रखा हुआ है। सितंबर 1669 में मंदिर तोड़ दिया गया और ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई गई। इसके करीब 111 साल बाद इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। ज्ञानवापी विवाद की पूरी बहस द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कानून के इर्द गिर्द टिकी हुई है। द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट उपासना स्थलों को बदले जाने से रोकता है। एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थल जिस धार्मिक रूप में थे वो बरकरार रहेगा, यानी आज़ादी के वक्त अगर कोई मस्जिद थी तो बाद में उसे बदलकर मंदिर या चर्च या गुरुद्वारा नहीं किया सकता। ये कानून 11 जुलाई 1991 को लागू किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।